जैसा कि मैंने बताया था, और स्टिक अरेंज कर लीजिए, स्टिक से थोड़ा सा रूम्बा करेंगे हम लोग। यस, दिस मीटिंग इज बीइंग लाइव स्ट्रीम्ड। ये मीटिंग लाइव हो गई है और सभी से निवेदन है कि स्टिक अरेंज कर लीजिए। और आज डिटॉक्स डे है, मैं अनाउंस कर रही हूँ। जितने मेंबर्स आ गए हैं मैम, मीटिंग के एंड में मैं निकल जाऊंगी, बाहर हो जाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे को बहुत सारे काम है। तो आप ये लास्ट में जरूर अनाउंस करिएगा कि आज डिटॉक्स डे है। जी जी मैम, बिल्कुल। 3 बार शेक ही पीना है आज, और अनाज नहीं खाना, रोटी नहीं खाना, चावल नहीं खाना, आलू नहीं खाना है, कुछ अनाज नहीं खाना है आज, तो ड्राई सिर्फ फ्रूट तो खा सकते हैं ना? हाँ ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। और ये जो डाइट है ये डाल दी गई है टेलीग्राम पे, आप अपने अपने मेंबर्स को पर्सनली भी भेज दीजिए, है मैम, ना। टुडे डिटॉक्स डे, फ्रूट्स डे, वेजिटेबल डे एंड शेक डे। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय। बाय। स्टार्ट करते हैं। श्री गुरु नोटेशन करेंगे।
सहस्त्र जोजन पर भानो लीजो ताहि वचन बल जान प्रभु मुद्रिका मेरे मुख मानी जल्दी लांघ गए चिन चिनान दुर्गम काज जगत के जेते सुखम अनुग्रह तुम देते राम दुआरे तुम रखवारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संभारो आपन तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जब निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावै मंत्र में वचन ध्यान जो लावै जब पर राम तपस भी राजन ते काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावै सोई अमित जीवन फल पावै चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जान तेरों को ना आगे के ऐसे गोल नहीं घुमाना है ऐसे बाइसिकल बनाना है पूरी 1 2 ऐसा क्योंकि आज हम लोग है ना हमारे हिप की बोन को ट्रेन करने वाले इसलिए ज्यादा प्रेशर हम हिप की बोन पे देंगे राम रसायन तुम्हारे पासा सतारा रघुपति के दासा भजन राम को पावन जन्म जन्म के दुख विसरावै अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई और देवता चिंतन धरे हनुमत से ही सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल तेरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नानी जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंधी महासिद्ध जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी कालीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय करते रहिए शादी है ना 20 टाइम्स करना है करते रहिए।
पानी हमेशा बैठ के पीना है, सिप सिप करके पीना है। अपना जो कैल्शियम है वो हमें खाली पेट लेना है। अपना कैल्शियम ले लीजिए, जस्ट में अब हम टैपिंग करेंगे। टेपिंग आपको जो करना है वो आपके टो पे करना है, इस तरह से टो से करना है टेपिंग। हम वॉकिंग टेपिंग करेंगे, लाइफ साइज साइड टेपिंग करेंगे, कंटिन्यू 7 मिनट तक करते रहना है। एक्सीलेंट फॉर बीपी एंड हार्ट। आपने वीडियो कॉल में वीडियो ऑन कीजिए, मैं देख नहीं पा रही हूँ आप सब लोगों को। वीडियो ऑन कीजिए, रीमिक्स बाय डीजे तना।
कंटिन्यू टैपिंग रोकना नहीं है, रॉकेट टैपिंग बाकी है, अभी हमारी कंटिन्यू करते रहिए, रॉकेट टैपिंग बाकी करते रहिए, टैपिंग को रोकना नहीं है, बॉडी को कूल डाउन नहीं करना है अभी हमको।
आइए, मेरी सांस लीजिए, अपना आप फ्रेश लीजिए। अभी हम लोगों ने 7 मिनट टैपिंग की है, वॉकिंग टैपिंग। पानी बैठ के पीजिए, आज डिटॉक्स चाहिए, आज कुछ भी ग्रेन्स नहीं खाना है, सब्जी रोटी दाल चावल कुछ नहीं खाना है, सिर्फ लिक्विड पर रहना है। डाइट ग्रुप में आ चुकी है, आप सभी लोग अपने कैमरा ऑन रखे और प्लीज सब स्टिक, एक डंडा अरेंज कर लीजिए। अगर हम स्टिक के साथ में अंबा करेंगे, उसके बाद में सारे हिप्स की बोन को, हिप की बोन को ट्रेन करने का वर्कआउट करेंगे। ऐसा डंडा अरेंज करके रख लीजिए, सभी स्टिक अरेंज कर लेंगे। स्टिक जो होती है वो वेट वाली पे होती है, तो मेरी 10 kg की है, वेट वाली पे होती है। आप नॉर्मल स्टिक ले लीजिए। सभी स्टिक अरेंज कर लेंगे। स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू कंटिन्यू स्टेप करते रहिए, कंटिन्यू करना है।
कंटिन्यू करते रहना है, रुकना नहीं है। लगा है भोले में कंटिन्यू, रुकना नहीं है। मैं रुक जाती हूँ, आपको नहीं रुकना है। मैं साउंड चेंज करने के लिए रुक रही हूँ, करते रहिए। करते रहिए। करते रहिए, करते रहिए। जो आपका मिस हो गया स्टेप उसको वापस दोहरा दीजिए। कल से साउंड का प्रॉब्लम भी नहीं होगा, मैं इसको मैनेज करती हूँ। Thank you.
साइड कीजिए, साइड साइड में घुमाइए, तो पेपर वर्क स्किप करो, लोन का ना भी इंस्टेंट लोन्स मिलेंगे, 100% प्रोसेस, 5 लाख तक का लोन और इंस्टेंट ट्रांसफर बैंक में, तो लोड मत लो, लोन लो नावी। अभी जंपिंग हग करना है। 40 फेवरेट्स और सिंपल स्नैक्स, नेवर मिस फोर क्रंची गुडनेस, ऑर्डर इन डिलेवरेबल शॉर्टीज और स्वैगी। 8 9 10 10 अदर साइड 10 टाइम विद जंपिंग राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब जम अब हम वॉकिंग के साथ में स्टिक विथ वॉक करेंगे। अपना अपर चेंजिंग पी लीजिए, पानी बैठ के पीजिए। अभी बैठ जाइए, अभी हमको एंटरटेनमेंट करना है। खड़ो जाइए, thank you.
Two minutes jumping. रिलैक्स हो जाइए। कभी अपने योगा मैट बिछा लीजिए, ऊपर बिछा लीजिए। हम योगा मैट पे बैठ के हिप मोबिलिटी करेंगे, जो हिप से इसकी जो यहाँ की स्पाइन और हिप की जो हमारी बोन है उसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। जब हमें हिप बोन और बैक बोन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो हम अच्छा फ्लेक्सिबल होकर वर्कआउट कर पाएंगे। तो हिप मोबिलिटी करना है हमको। आप सभी अपना पानी पी लीजिए, योगा मैट पे बैठ जाइए। इसमें आप स्ट्रेचिंग में इंक्लूड हो जाएगी। अपने स्टिक को अपने पास रख लेना है। स्टार्ट करते हैं हिप मोबिलिटी। सभी बैठ जाइए। अब हमें हमारी हिप की बोन को ट्रेन करना है। सब ऐसे बैठ जाए। सेकंड लेग को आप राउंड बनाइए, एल बनाइए, पैर देखिए इस तरह, हैंड्स अप एंड स्लोली डाउन। आपका हेड जमीन पर टच कर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको उठना नहीं, मैं आप लोगों को देखने के लिए उठ रही हूँ। आप डाउन ही रहिए, जमीन पर रखे सर। 6, 7, 8, 9,
And 10. Slowly up. Leg change. योगा मैट पे कीजिए, अदरवाइज आपको ना पैरों में जंग लग जाएगा. गो डाउन. पूरा वेट आपका फ्लोर पे टच होगा. 1 2. बॉडी पूरी स्ट्रेट, हैंड स्ट्रेट, एल्बो बेंड नहीं करना है. 6 7 8 9 and 10. स्लोली अप. दोनों पैरों को फिर से मिला लीजिए. बैठ जाइए फिर. हैंड्स अप एंड स्लोली स्लोली हैंड डाउन. हेड टच टू फ्लोर एंड होल्ड. 1. करते रहिए, मैं साइड से दिखाती हूँ. 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. इसी पोजीशन में रहना है. धीरे धीरे हाथों को पास लाइए, उठिए. अगेन वही पोजीशन बना लीजिए. जैसे पहले पोजीशन थी ऐसी वाली, वही पोजीशन बना लीजिए. देखिए आपको बिल्कुल छोटा बच्चे की तरह, इस तरह से आपके जो एल्बो है वो आपके पेट पे टच होनी चाहिए यहाँ पे ऐसे. और होल्ड. 1 2 3 4 5. आपके हाथों के ऊपर ध्यान रखिए. 6 7 8 9 and 10. स्लोली रिलैक्स. अदर लेग किस तरह से करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. स्लोली अप. यही पोजीशन पे दीजिए, सेम पोजीशन पे रहना है. हाथों को अपने नी के घुटने के पास में इस तरह से यहाँ रख लीजिए. दूसरे हाथों को उठाइए. देखिए बॉडी का ये पोस्चर बनना चाहिए. 1 2 3 4 and 5. स्लोली 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 डाउन. इसी तरह से अदर लेग करना है. हाथों को फिर नी के पास में ले आइए, घुटने के पास में. दूसरा हैंड को अप कीजिए. 1 2 3 4 and 5. स्लोली 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 जी हो जाइए. लास्ट एक कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें. आप कभी अपने टो पे बैठ जाएंगे इस तरह से. टो पे बैठिए एंड होल्ड. 1. हाथों के रिलैक्स करिए. 2. जिनको नी में पेन है वो आप टो पे ना बैठे, इस पे अपने पूरे पैरों पे बैठ जाइए, पूरे तलवों पे बैठ जाइए जिनको नी में पेन है ज्यादा. 1. स्टेबिलिटी बढ़ाएगा आपकी. अब स्टेबल हो पाओगे, वर्कआउट में लंबे समय तक कर पाओगे. 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. रिलैक्स. उसी जगह रिलैक्स हो जाइए. गहरी सांस लीजिए, छोड़िए. अपनी स्टिक अपने पास ले लीजिए. अब स्टिक के साथ होल्ड करेंगे. अगेन टो पे. ये वर्कआउट जो है पोजीशन आपकी स्टेबिलिटी बढ़ाता है. 1 2 3 4. फेस सामने की तरफ रखिए. 5 6
7 8 9 and 10 slowly 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 stick को नीचे रखना है, आपके बॉडी को नीचे नहीं रखना है, स्टिक को नीचे रखिए, नमस्कार पोजीशन बनाइए, 1 2 3 4 5 अब इसी पोजीशन में आपको जो नमस्कार पोजीशन है, नमस्कार को पूरा नीचे लेके जाना है, जमीन पर टच करना है, तो आपकी ऐसी ही रहेगी। स्टार्ट कोशिश कीजिए करने की, 1 2 3 4 and 5 आपकी जो पोजीशन है उसको नीचे की तरह आपको नीचे की तरह नमस्कार बनाना है, टो पे आपके टो पे आपकी पोजीशन रहेगी, एड़ी ऊपर रहेगी, हिप डाउन रहेंगे। स्टार्ट 1 2 3 करते रहिए, देखती हूँ मैं, 4 5 6 7 सुने ना मैडम, ये पोजीशन ही करना है, 8 9 10 पीछे मैडम थोड़ा सा हिप ऊपर, 11 12 13 14 and 15 One more. Legs हो जाइए, 1 2 legs 3 4 5 6 7 8 9 and 10 हो गया 10 seconds legs बोलते। Again, देखिए अभी तुमको hold नहीं करना है, variations करना है। Start 1 2 3 टो पे रहना है, 4 आपकी टो की बोन को स्ट्रॉन्ग करेगा ये, जिससे आप लंबे समय तक वॉक कर पाओगे, रनिंग कर पाओगे, 5 इसलिए मैम आपको टेस्टिंग करवाती है, स्ट्रॉन्ग योर हार्ट ब्रेन एंड बीपी वालों के लिए एक्सीलेंट है, 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 रिलैक्स, बैठ जाइए, बैठना है, लास्ट रेशन करके हम लोग वेट ट्रेनिंग करेंगे, हमारा काफी वक्त हो चुका है, बैठ जाइए, दोनों हाथों को आपके हिप के पास मेंटर साइड में रख लीजिए, और आपकी ब्रेक बॉडी जो है हिप से बोन ऊपर से लिफ्ट करना है, देखिए 1 लिफ्ट करना है, 1 2 3 4 5 अगेन हाथों को सामने रख लीजिए, 1 2 3 धीरे धीरे बढ़ाना है, 4 5 पत्तली बांध के बैठ के उठना है, 6 7 नी पेन वाले नहीं करेंगे, 8 जिसको घुटने में दर्द है वो ना करें, 9 and 10 रिलैक्स, अपना रेस्ट पी लीजिए, पानी पी लीजिए, अब हम वेट ट्रेनिंग करेंगे 5 मिनट के लिए, आज सारी वेट ट्रेनिंग आपको फ्लोर पे बैठ के करनी है, अपने वेट ले लीजिए, देखिए मैं आपको ना एक वेट बनाने का एक तरीका और बताती हूँ, जैसे कि आपके पास अगर वेट नहीं है तो आप बॉटल में इस तरह की जो बॉटल आती है उसमें रेती भर लीजिए, कंकड़ जो होते हैं उससे आपका वेट बढ़ जाएगा, नहीं तो एक थाली लीजिए, जो थाली नहीं होती है खाना खाने वाली थाली, जिसकी तीनों रेती होती है उसमें रेती रख दीजिए, ऊपर से उसमें कपड़ा बांध दीजिए, पाइप पीछे निशान बांध दीजिए, और वो आपकी ऐसी प्लेट बन जाएगी, जरूरी नहीं पैसा खर्च करना, ऐसी प्लेट बन जाएगी, वेट की प्लेट, ये मेरी 7 kg की प्लेट है, ऐसी आपकी प्लेट बन जाएगी, रेती भर दीजिए उस अच्छी किनोर वाली थाली में, ऊपर से उसमें कपड़ा टाइट करके चिपका दीजिए, तो आपकी प्लेट बन जाएगी, तो ऐसे ही आप वेट अपने घर में बना सकते हैं 1 या 2 kg के।
आप सभी अपने वेट ले लीजिए अपने हाथों में। अब हम सिटिंग वेट ट्रेनिंग करेंगे। दोनों पैरों को स्प्रेड कर लीजिए। स्टार्ट। वन टू थ्री फोर। आपके जो वेट रहेंगे वो ओवर द शोल्डर रहेंगे, आगे की तरफ नहीं रखना, ओवर द शोल्डर वही आपको लिफ्ट करना है। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। रिलैक्स। पैरों को इस तरह से आप डाउन कर लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। वन टू, फ्लोर पर टच नहीं करना है वेट, पर फ्लोर के यहां तक लाना है। टू थ्री फोर, इससे आपकी इनर थाई स्ट्रेन होगी, आपके वेजनल मसाले वो स्ट्रॉन्ग होंगे और टाइट होंगे, और आपके जो शोल्डर के लिए हम इसके लिए तीन जो पार्ट है वो ट्रेन हो रहा है इसमें। फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। रिलैक्स। सिंगल हैंड में वेट ले लीजिए। सभी लोग सिंगल हैंड में वेट ले लेंगे अपनी बॉटल को, जो भी वेट है उसको इस तरह से रख लीजिए। वन लिटिल डाउन, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट Nine and ten. आज हम स्पेशली टाइसेप बाइसेप नहीं कर रहे, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ हिप्स की बोन को ट्रेन कर रहे हैं, इसलिए हम टाइसेप बाइसेप नहीं कर रहे, ओवरऑल कर रहे हैं। स्टार्ट कर के फिर हम पेस योगा करेंगे। आपकी अगर डम्बल है तो ही करें, बॉटल होगी तो फूट जाएगी, बॉटल के साथ ना करें। दोनों आप अपने वेट को अपने पास में रख लीजिए। वन टू वेट के सारे से उसे उठना है फाइव टाइम। थ्री फोर एंड फाइव, कभी पलट जाइए। देखिए अगर बॉटल है तो फिर क्या करें आप, अगर बॉटल यूज कर रहे हैं तो बॉटल का हाथ ना रखते हुए साइड में रख ले, और जब मैं लिफ्ट कर रहा हूँ तो बॉटल को पकड़ के लिफ्ट कर लीजिए, ठीक है? तो क्या बॉटल का हाथ रखेंगे तो बॉटल फूट जाएगी। इसका देखिए पोजिशन ये रहेगी, आपका जो पोस्चर रहेगा उस तरह से रहेगा, कैट एंड काउ करते हैं ना, इस तरह से रहेगा। स्टार्ट। वन टू थ्री, थ्री में पीछे जाना, थ्री एंड फोर, जिनकी बॉटल है वो हाथ रख के फिर बॉटल पकड़ लें। फाइव एंड सिक्स सेवन एट nine and ten, eleven and twelve. Position change, दोनों पैरों को बांध दीजिए। देखिए पीछे से देख के ऊपर रख दीजिए पैरों को, दोनों वेट को पास जाइए। अगर बॉटल है तो दोनों बॉटल को पास रख के हाई साइड में रख लेना। जिनके पास डम्बल है दोनों डम्बल पर रखेंगे बॉटल, हैंड्स को अपने। वन टू, बॉटल वाले लोग हाथ से बॉटल उठा के फिर करेंगे। टू थ्री, अगर आपकी बॉटल में रेती भरी होती तो आप कर पाते। फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, ट्वेल्व टाइम, इलेवन। अब बीच लेग मूवमेंट करेंगे। जिनके पैरों में दर्द है या जो पीरियड से है वो ना करें, क्योंकि इसमें आपके कोर मसल पे इफेक्ट जोर पड़ेगा थोड़ा। स्टार्ट।
1 2 3 4 समझा ना आपको? पहले लेग लिफ्ट, लेग डाउन, हैंड लिफ्ट, हैंड डाउन, स्टार्ट 1 2 अदर साइड 1 2 1 2 1 2 two more 1 2 1 2 बैठ रख दीजिए साइड में, एक बार केट एंड काउ कर लीजिए, स्टार्ट कीजिए सॉरी कैमल एंड केट सॉरी काउ बोल दिया मैंने स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 relax body उठाइए दोनों पैर जमीन से टिके रहेंगे, जमीन से पैर उठाना नहीं है, वेट को आपकी बॉटल को अपने सामने रखना है, स्टार्ट करेंगे वेट उठाइए दूसरे पैर पर टच कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 Two more, 9 and 10 इसी पोजीशन पे रहना है आपको और वही जंप करना है, नी पे है हमको, स्लोली स्लोली जंप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 अब फाइव जो है आपको जंपिंग आपकी हैंड पर आएगी 1 5 time only 2 3 4 5 रिलैक्स अभी लेट जाइए 2 मिनट हम 2 मिनट या 1 मिनट हम जो है बैक को रिलैक्स करेंगे रोलिंग करेंगे फिर हमारा पेज होगा हुआ करेंगे स्टार्ट कीजिए अपनी बॉडी को टाइट पकड़ लीजिए बिल्कुल टाइट पकड़ लीजिए क्योंकि आज हमने हिप की जो की है उसके लिए हमको हमारी बैक को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है स्टार्ट कीजिए 1 2 3 घुमाइए 4 5 6 7 8 9 10 two more 11 and 12 अब पैर खोल के रोलिंग करेंगे देखिए 1 जितना होता है उतना ही कीजिए 2 3 4 5 रिलैक्स अपना पानी पी लीजिए टाइम हमारे पास कम है हम कपालभाति करते हैं 50 times कपालभाति करेंगे देन अनुलोम विलोम ये हमने जो भी किया था आउटर पार्ट के लिए था और इनर पार्ट के लिए हमारे इनर ऑर्गन को हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे स्टार्ट करेंगे अनुलोम विलोम सॉरी कपालभाति कीजिए 50 times स्टार्ट बैठ जाइए स्टार्ट एक्सीलेंट होता है हार्ट और लंग्स के लिए और कपालभाति करने से हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है अभी हम लोग कुछ टाइम बाद शेक पीने वाले हैं तभी आप अपना आप जो भी ओमेगा 3 लेते हैं तभी अपना ओमेगा 3 फाइबर सप्लीमेंट ले लीजिए
सेल एक्टिवेटर ले लीजिए, मैं तीन चीजें ले रही हूँ, ओमेगा 3 एक्सेलेंट फॉर हार्ट ब्रेन रिजल फेस, फाइबर ले रही हूँ एंड सेल एक्टिवेटर ले रही हूँ। सेल एक्टिवेटर जो होता है एंटी ऑक्सीडेंट होता है, करेंगे कपालभाति स्टार्ट। आप कंटिन्यू करते रहिए, मुझे सर्दी हो रही है, आप कंटिन्यू करते रहिए, मैं भी कंटिन्यू करती हूँ आपके साथ में। रिलैक्स 10 टाइम हमें ब्राह्मी प्राणायाम करना है। थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है नेम में, स्टार्ट कीजिए, सांस लीजिए और छोड़िए, तेजी से सांस छोड़ना है। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। ब्रीथिंग होल्ड, ब्रीथ आउट, अगेन ब्रीथिंग होल्ड, ब्रीथ आउट, अगेन ब्रीथिंग होल्ड, ब्रीथ आउट। धीरे धीरे हाथों को रब कीजिए, हाथों का वर्षण कीजिए, एनर्जी रिलीज होती है आपके हाथों को, आपको रब करने चाहिए, कीजिए हाथों को, हाथों में एनर्जी रिलीज होगी, उसको अपने आंखों पे लगाना है, अपने चेहरे पे लगाना है, रिलीज कीजिए धीरे धीरे, हाथों को अपने आंखों पे लगाइए, आंखों को ओपन कर लीजिए। अब हम 5 मिनट फेस योगा करेंगे, उसके बाद में ओवर करते हैं, तभी बैठ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं,
जैसे हमारी बॉडी की एक्सरसाइज जरूरी है, इस तरह से हमारे फेस के मसल की एक्सरसाइज भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्टार्ट, मुंह में हवा भरी है, हवा भर के होल्ड करना है। रिलीज, एक बार फिर गहरी हवा भरी है, छोड़िए, अब एयर को पास करना है। रिलीज, अगेन पास करके पूरे गोल में फेस पे आपको राउंड सर्कल बनाना है। उल्ली कैसे करते हैं उस तरह से कर कीजिए। रिलीज, च्युइंग कीजिए, च्युइंगम चबाते इस तरह से च्युइंग करना है, पूरे मुंह को घुमाना है, पूरे मतलब स्ट्रेच होंगे यहाँ के। रिलैक्स, दीवान को बाहर निकालिए, अंदर कीजिए, फाउल बनाइए, इन और आउट कीजिए। अब लास्ट टू और करेंगे, ओ और आई बनाना है, ओ और आई, देखिए ओ आई, ओ आई, ओ आई, ओ आई, ओ आई। अब ऊपर मुंह करके ओ आई करना है, जब ओ करेंगे ये मसल स्ट्रेच होंगे, आई करेंगे तो पीछे से स्ट्रेच होंगे। ओ आई, ओ आई, ओ आई, ओ आई, ओ आई। पूरे मुंह में आपको टंग घुमाना, जिस तरह से हमको दांत में कुछ फंस जाता है निकालते, इस तरह से घुमाइए पूरी टंग को। अपोजिट सर्कल, अब आपको कंठ सावज निकालनी है, जो आपके कंठ के लिए भी अच्छा रहेगा और यहाँ के मसल जो स्ट्रेच होंगे, यहाँ से ठुलठुल हो जाता है ना, लटक जाता है, मोटा हो जाता है, उसके लिए भी। दहाड़ना है आपको, शेर की तरह चिल्लाना है, स्लोली देन लाउडली, काउंटिंग के साथ, अब सिर्फ एक बार करना है, पूरा अंदर से कंठ से पूरा चिल्लाना है आपको, जोर से चिल्लाना है, मतलब छह की तरह ढालना है। स्टार्ट, वन मोर टाइम। इससे ये मसल जो आपकी स्ट्रेच होंगे और जो आपकी कंठ में जो भी हो गए टॉक्सिन वो भी रिलीज होते हैं उससे। स्टार्ट, वन मोर टाइम, यही साथ लीजिए, रिलैक्स,
लेफ्ट। 60 सेकेंड का लाफिंग करेंगे, आपको कुछ हंसी आती नेचुरल तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल लोग बेवजह हंस भी नहीं पाते, अगर नेचुरली हंसी आई तो बहुत अच्छी बात है, इनका आर्टिफिशियल हंसी हंस लीजिए, देन ओवर करेंगे। स्टार्ट कीजिए, कुछ भी याद कीजिए, करके हंसी है। देखिए मुझे भी नहीं आ रही, कहते ना बेवजह, इसलिए खुशी के वजह ढूंढते रहना चाहिए, क्योंकि बेवजह हंस ही नहीं पाते हम लोग, इसलिए खुशी की जो छोटी छोटी वजह मिले उसमें खुश रह लीजिए, क्योंकि हम तो आर्टिफिशियल भी नहीं हंस पा रहे हैं। कोशिश कीजिए हंसने की और खुश रहने की। यह सब 5 मिनट का मतलब 1 मिनट का शीर्षासन करते हैं हम लोग, फिर शवासन करते हैं, क्योंकि रिलैक्स करना बॉडी को, उसके बाद में हम हमारा टॉपिक लेंगे। सभी लोग लेट जाएंगे, शवासन में लेट जाइए, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, हाथ आसमान की तरफ, पैर को स्प्रेड कर लेना है। 1 मिनट के लिए आप सभी लोग चुप रहेंगे और अपनी दिन भी आप भगवान को, अल्लाह को, जिनको भी आप मानते हैं उनको ध्यान लगाइए और बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। मेरी सांस लीजिए, छोड़िए, अगेन गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, वन मोर टाइम गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। लेफ्ट हैंड सर्वर साइड लेके उठ जाइए, धीरे धीरे उठिए, लेफ्ट हैंड साइड सर्वर लेके हैंड रिलैक्स। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सभी को आज का जो सेशन है अच्छा लगा होगा, आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा। अर्पिता मैम, जस्ट मिनट, सभी को मैं अनम्यूट कर देती हूँ। यस, अनम्यूट कर लीजिए, नहीं हो रहा है। अर्पिता मैम, जस्ट मिनट, यस यस, गुड मॉर्निंग, यस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चिया सीड, हम लोग का चिया सीड के बेनिफिट्स पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप बताइए, आप चिया सीड के बारे में क्या जानते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स से लेने के, और चिया सीड क्यों लेना चाहिए, पहले आप लोग बताइए अपने व्यूज, देन फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। चिया सीड जो एक सीड होता है वो क्यों जरूरी है, आप पहले आप बताइए, फिर मैं बताती हूँ। यस
आप टेक्निकली हैंडल करके बता सकते हैं। चिया सीड्स आप सभी लेते हैं, आज डिटॉक्स डाइट है हमारी, आप सभी को बता देती हूँ मैं, आज हमारी डिटॉक्स डाइट है। तो आज हम नो ग्रेन डाइट है, आज हमें ग्रेन नहीं खाना है, सब्जी रोटी दाल चावल नहीं खाना है। तो आप चिया सीड्स यूज सारे लोग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट लोग चिया सीड्स यूज करते हैं, तो आपको क्यों यूज कर रहे हैं, उसके बेनिफिट पता है आपको, तो आप मुझे सब टेक्निकली हैंडल करके उसके बेनिफिट बताइए। ये वेट लॉस में हेल्प करता है, प्लस इट हेल्प्स यू टू रिलीज योर टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी। यस यस बिल्कुल सही मैम, फाइबर बहुत होता है बिल्कुल। और कोई बताना चाहेगा? सो चिया सीड्स मैम एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, रिच ऑफ मिनरल्स एंड रिच ऑफ फाइबर्स, फाइबर होता है विथ ऑलमोस्ट जीरो कैलोरी। सो हमें अपने अपने चिया सीड्स, दो स्पून चिया सीड्स से ही बहुत सारे विटामिन मिनरल्स मिल जाते हैं, विटामिन मिल जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है एंड एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है, और ये कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ट्राइग्लिसराइड को भी कम करने में मदद करता है। सही बोला, ऑलमोस्ट पॉइंट क्लियर कर दिए। और कोई बताना चाहेगा? यार जिनत मालिनी है, वो हाई, अभी मैंने पढ़ा है कि ये हाई ब्लड प्रेशर जिनको है उनको, उनका ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, और हार्ट डिजीज जो हो जिनको है इसको लेने से हार्ट डिजीज का रिस्क कम होता है। yes, yes, मतलब हार्ट डिजीज को कंट्रोल करता है और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है चिया सीड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड का गुड सोर्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है ये। जी बिल्कुल सही, आप सभी ने अपने सही व्यूज दिए। अभी मैं आप और भी बताना चाहेगा, फिर उसको मैं कंबाइन कर देती हूँ। मैम चिया सीड सुपर फूड माना गया है अपने अर्थ पे, इसको सुपर फूड बोला गया है, और जैसे अपन जब अपन है ना उसको खाते हैं ना तो अपन को भूख नहीं लगती, आपको ऐसा लगता है अपना पेट भरा भरा है, तो ये वेट लॉस में मदद करता है और ये हाई प्रोटीन फूड माना गया है अर्थ पे। अभी इसको थोड़ा सा मैं कंबाइन कर देती हूँ। देखिए चिया सीड जो है वो सुपर फूड है, बिल्कुल सही बात है। अभी जो होता है चिया सीड्स में क्या क्या होता है मैं पहले आपको बता देती हूँ। जो चिया सीड्स होता है उसमें हाई फाइबर, मतलब फाइबर और प्रोटीन का हाई सोर्स होता है चिया सीड्स, और चिया सीड्स में इतना कैल्शियम होता है जितना दूध में नहीं होता, उतना कैल्शियम चिया सीड्स में होता है। तो चिया सीड्स जो होता है वो आप देखिए वेट लॉस के लिए आपको क्या क्या जरूरी होता है, वेट लॉस के जरूरी है आपको प्रोटीन, फाइबर, और जितने भी हम लोग जो विटामिन लेते हैं वेट लॉस के जरूरी, जो मेन जो इसकी मेन प्रॉपर्टी है फाइबर और प्रोटीन, उसके बाद में इसमें कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम होता है, फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, गुड कार्ब्स होते हैं चिया सीड्स में, और मैग्नीज होता है, जिंक होता है, विटामिन B1, B2, B3 होता है, पोटेशियम होता है, तो ये सब चीजें होती है। और सबसे अच्छी बात है क्योंकि इसमें जो कैल्शियम है वो 18 ग्राम होता है, हाई कंटेंट है इसमें कैल्शियम का, कैल्शियम और फाइबर के हाई कंटेंट है। और एक चीज और मैं बता देती हूँ, जैसे जो चिया सीड्स होता है हम उसको इसलिए भी यूज करते हैं क्योंकि वो हमको फुलनेस की फीलिंग देता है, क्योंकि चिया सीड्स है वो सॉल्युबल फाइबर है, उसके वो पेट में जाके घुलनशील है, पेट में जाके घुल जाता है वो, और आपको फुलनेस की फीलिंग देता है जब भी आप चिया सीड्स पीते हैं। चिया सीड्स पीने के अलग अलग तरीके हैं, उसको किस किस तरह से पीना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो वो इनसॉल्युबल फाइबर है, वो आपको क्या करता है कि आपको पेट में फुलनेस की फीलिंग देता है, आप जब उसको ब्रेकफास्ट में या जब भी आपको पी लेते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हम लोग, हम पेट भरा हुआ है हमारा, फुलनेस की फीलिंग देता है। स्किन, अब स्किन पर जाते हैं कि स्किन के लिए वो क्या काम करता है, सबसे पहले वो फाइबर है, फाइबर स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, फाइबर गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके जो गट हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है। एंटी ऑक्सीडेंट है, जो आपकी यूवी रेंस होती है, अल्ट्रावेरिकल जो रेंस होती है उससे आपको प्रोटेक्ट करता है, स्किन एक्ने नहीं आने देता है आपकी, जैसे कि आपका फाइबर से आप फाइबर लोगे आपका पेट साफ रहेगा, पेट साफ रहेगा तो स्किन की जितनी भी एक्ने प्रॉब्लम है उसको आप उससे आपको रिलीज करेगा। सेकेंड चीज है कि जो 9 असेंशियल अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, जिनको हमें लेना बहुत जरूरी है, और 9 असेंशियल विटामिन जो अमीनो एसिड है वो आपकी बॉडी के ब्लड सेल्स को और बॉडी को रिकवर करते हैं, टिश्यूज को रिकवर करते हैं। अब इसमें आपको बताती हूँ मैं, जिस तरह से स्किन बूस्टर में कोलेजन है, वैसे कोलेजन नेचुरल डाइट से हमको नहीं मिल पाता, बट इसमें कुछ कंटेंट में कोलेजन होता है अपने चिया सीड्स में, जो कोलेजन किसको देता है, हमारी स्किन को नहीं, हमारे मसल्स को, ब्लड को कोलेजन देता है, ब्लड को कोलेजन देने का काम करता है चिया सीड्स, तो एक्सीलेंट होता है स्किन के लिए भी। सेकेंड चीज है चिया सीड्स में जो होता है वो हैवी मात्रा में कैल्शियम, और मैंने बताई थी आपको सब चीज उसमें होती है,
अब हम इस चीज को हम बच्चों को भी दे सकते हैं, 1 साल से ऊपर के बच्चे को हम चिया सीड दे सकते हैं। और इस एक चीज और है इसमें, अब ये हेयर के लिए, अब हेयर के लिए क्यों जरूरी है, जिस तरह से अपना बायोटीन और कोलेजन ये सब जरूरी होता है हमारे हेयर के लिए, इसी तरह से इसमें एक जो प्रॉपर्टीज पाई जाती है लिकोनासिटी। देखो एक इलास्टिसिटी होती है, एक होती है लिमिनोलिसिटी, मतलब लिमिनोसिटी मतलब चमक, चेहरे की चमक को लिमिनोलिसिटी बोलते हैं। तो वो आपकी बनाए रखता है, जब आप चिया सीड्स पीते हो या चिया सीड्स खाते हो, किसी चीज में यूज करते हो, चिया सीड्स का फेशियल भी हम बताने वाले हैं अभी कि किस तरह से चिया सीड्स का फेशियल किया जाए, मास्क लगाया जाए, तो आपकी चेहरे की चमक को बनाए रखता है, इलास्टिसिटी को बनाए रखता है। तो इलास्टिसिटी मतलब लोच, शरीर का लोच, जैसे चेहरे में लोच रहता है, बोलते ना पानी सूख गया स्किन में, रूखी रूखी होती है, तो लोच, लोचदार जो स्किन होती है, जैसे आटे में लोच नहीं आता है, आटे में लोच आता है तो हमारी रोटियां अच्छी बनती, इस तरह हमारे चेहरे में बॉडी में भी लोच होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। तो चिया सीड्स जो है आपकी बॉडी में लचीलापन, आपके फेस में लचीलापन लाता है, आपकी स्किन में लचीलापन लाता है। सेकेंड चीज है वो आपकी बॉडी की चमक को, चेहरे की चमक को बनाए रखता है, गुड सोर्स होता है चिया सीड्स। अब मैं आपको बताती हूँ, चिया सीड्स होता है वो आपका एंटी एजिंग का भी काम करता है, क्योंकि वो एंटी ऑक्सीडेंट है, जितनी भी हम एंटी ऑक्सीडेंट चीजें खाते हैं, हमारे साथ न्यूट्रिशन है वो भी एंटी ऑक्सीडेंट है, हमारा अप्रोच जो एंटी ऑक्सीडेंट है, ओमेगा थ्री है हमारे एंटी ऑक्सीडेंट है, ओमेगा थ्री जो होता है हमारा वो हमारी फ्री रेडिकल से हमारे को प्रोटेक्ट करता है, हार्ट के लिए स्किन के लिए अच्छा होता है, सारे फैटी एसिड्स जो होते हैं हम एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं। इसी तरह से चिया सीड्स भी है वो एंटी ऑक्सीडेंट है, जो कि आपको एंटी एजिंग से बचाता है, एक्ने से, डार्क सर्कल से बचाता है, आपके हेयर फॉल में मदद करता है। चिया सीड्स का हेयर मास्क मतलब उसका कंडीशनर भी हेयर मास्क से बनता है, मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम उसको यूज करेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ वेट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए चिया सीड्स को किस किस तरह से यूज करना है। देखिए आप चिया सीड्स को सिर्फ और सिर्फ पानी में डाल के अभी तक यूज कर रहे होंगे, डोंट नो कि आप किस किस तरह से यूज करते हैं, मैं आपको उसका तरीका बता देती हूँ। चिया सीड्स को आप चिया सीड्स बहुत जल्दी फूल जाता है, आप या तो उसको रात में सोक करना चाहते हैं तो चिया सीड्स ले लीजिए आप आधा चम्मच, आधा चम्मच चिया सीड्स में इतना कैल्शियम है जितना आप एक ग्लास दूध में नहीं है, हेवी कैल्शियम होता है चिया सीड्स में, फाइबर होता है। जिन भी लोगों को कब्ज की दिक्कत शिकायत हो रही है, कब्ज हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जिनको एसिडिटी प्रॉब्लम हो रही है, चिया सीड्स की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो आपको जब भी पेट में गर्मी हो रही है कि आपको पेट में जलन हो रही है, जब भी पेट में जलन हो रही है चिया सीड्स पानी में डालिए, आप जो तुलसी का अर्क होता है, तुलसी का जो रस होता है वो डाल दीजिए, उसको पी जाइए, तो आपके शरीर में जो है पेट में ठंडक हो जाएगी। रात में चिया सीड्स लेके आप पानी में डाल दीजिए, उसमें नींबू की स्लाइस डाल दीजिए, सुबह उसको पानी पी लीजिए, उसका पानी पी लीजिए, तो वो आपको फुलनेस की फीलिंग देगा। चिया सीड्स को आप दही में यूज कर सकते हैं, उसकी स्मूदी बना सकते हैं आप, जैसे कि फ्रूट सैलेड काट के रखा आपने तो उसमें गला हुआ चिया सीड्स बाउल में रात में भिगो कर दीजिए, दिन भर उसको आप किसी ना किसी चीज में यूज कर सकते हैं, उसकी गार्निशिंग कर सकते हैं आप। देखिए इस तरह से सैलेड आप खा रहे हैं, सैलेड में ऊपर डाल दीजिए, लाइक अपन चाट मसाला ही डालते हैं, उस तरह से उसको चिया सीड्स को यूज कीजिए, दही में डाल दीजिए, छाछ में डाल दीजिए, और मैंने तो शेक में डाल के भी पिया था, अभी आप लोग ट्राई मत करो, पर मैंने तो शेक में डाल के पिया था, बहुत यम्मी लगा था मुझे। आप लस्सी में डाल के पी सकते हैं उसको, आप कोई सा भी आप फ्रूट का शेक बनाते हैं उसमें डालते हैं उसको, मिक्सी में बस पीसिए, पीसने के बाद में आप उसको ऊपर से डाल दीजिए। और जैसे कि चिया सीड्स की हम लोग खेल भी बना सकते हैं, आप खेल कैसे बना सकते हैं, चिया सीड्स में वही आपको सेट्रिक फूड आप डाल सकते हैं, जैसे कि आपने जो है एप्पल कट कर दिया या जितने फ्रूट अच्छे से कट कर लीजिए, उसमें फ्रूट की भेल बनाइए, उसमें चिया सीड्स डाल दीजिए, उसमें ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, उसमें मखाना डाल दीजिए, चिया सीड्स की भेल भी बहुत अच्छी बन जाएगी। इसके बाद में जो चिया सीड्स होता है उसको हम फेस मास्क भी उसका बना सकते हैं, वो कैसे, चिया सीड्स को आप 2 घंटे पहले गला दीजिए या तो रात से गला कर दीजिए, सुबह वो थोड़ा चिकना टाइप हो जाएगा, उसको मिक्सी में नहीं पीसना है, वो वैसे जेली फॉर्म बन जाएगा उसका। जेली फॉर्म बनाने के बाद में उसमें ऑलिव ऑयल ऐड कीजिए, 2-3 बूंद नींबू का ऐड कीजिए, इफ आपके ड्राई स्किन है तो आप नींबू मत यूज कीजिए, क्योंकि ड्राई स्किन पर नींबू आपको इचनेस कर सकता है, आपको इरिटेशन हो सकता है, तो अगर ड्राई स्किन है तो आप फिर उसमें नींबू मत डालिए, सिर्फ ऑलिव ऑयल और चिया सीड्स जो आपका जो जेली फॉर्म बन जाएगा वो करके 5 से 10 मिनट आपको अपने फेस पर रखना है, 15 मिनट तक फेस पर रखना है, जैसे ही वो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, सूखने लगेगा, जैसे पपड़ी आ जाएगी उसके सफ़े सफ़े, तो उसको वॉश कर लीजिए। हेयर फॉल हो रहा है या हेयर ड्राई हो रहे हैं आपके, बहुत रफ हेयर हो रहे हैं, उसी तरह से आपको चिया सीड्स को रात भर गला के रखना है, सुबह बिल्कुल वो जैसे साबुदाने में मांड नहीं निकलता ऐसा बिल्कुल उसका मांड निकलने लगेगा, उसमें आपको खोपरे का मतलब कोकोनट ऑयल आपको अच्छे मात्रा में डालना है,
कोकोनट ऑयल डाल दीजिए, उसमें विटामिन ई का कैप्सूल फोड़ के डाल दीजिए, नहीं तो अपना लाइफ लाइन जो ओमेगा थी उसको आप डाल सकते हैं। उसके करने के बाद ना वो अच्छा, जैसे कि हमारा जो हेयर स्पा क्रीम होता है, कंडीशनर होता है, उस तरह से वो बन जाएगा, वही फॉर्म आ जाएगा उसका। तो इस तरह से जो बालों को आपको लेना है उसको करके, आप कंडीशनर कैसे नीचे नीचे लगाते हैं तो उसको पूरा आपको इस तरह से करके लगा लेना है, और 10 से 15 मिनट आप उसको रखिए। उसके बाद आप पूरे उसमें उसको आप अगर आपके रूट्स में भी लगा लेंगे नुकसान नहीं होगा। आप हमेशा याद रखिए जो कंडीशनर होता है हमको रूट्स पे नहीं लगाया जाता, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले हेयर पर लगाते हैं, और उसको आप रूट्स पे भी अगर लग जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भी नेचुरल रेमेडीज होती है, जैसे कल अर्पिता मैडम ने कराया था उससे मुझे बहुत चेहरा चिकना और सॉफ्ट हो गया, तो नेचुरल रेमेडीज का कभी कोई नुकसान नहीं होता है। तो आप इसको लगा सकते हैं, फिर उसको अच्छी मसाज कर लीजिए और 15 मिनट बाद कुनकुने पानी से उसको वॉश कर लीजिए। इसके बाद में अगर आपके बच्चे को कब्ज हो रही है और वो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन लगाता उसका बना है, तो आप चिया सीड्स जो है उसको आप चिया सीड्स को पानी में वही भिगो के, अब वो बच्चा कैसे खाएगा, वो तो सोचेगा दाना है मैं खाऊंगा नहीं, तो चिया सीड्स को आप उसको दे दो। आप उसमें स्ट्रॉ एक उनके लिए आप ऐसा हैपनिंग कर सकते हो, हैपनिंग कुछ चीजें कर सकते हो, बोलना ये आपको ना मैं अपने बच्चों को इस तरह से खिला रही हूँ, अभी चिया सीड्स को बाउल में रख दीजिए, उसमें उनका फेवरेट कोई भी रसना है या कुछ फ्रूटी है जो भी आप घर का बना हुआ उसमें आपको कलर वाइज कर दीजिए, और उसको स्ट्रॉ दे दीजिए कि बेटा स्ट्रॉ से आपको एक एक दाना अंदर लेना है, तो वो पी भी लेगा, वो बच्चे का उससे कॉन्स्टिपेशन सही हो जाएगा। इसको आप 6 महीने के ऊपर के बच्चे को चिया सीड्स दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खासकर जिन बच्चे को कब्ज होती है उनके चिया सीड्स बहुत अच्छा है, और आपको है ना वो फाइबर देगा, कैल्शियम देगा। जो जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती है उनको कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम हमको सप्लीमेंट के थ्रू उसमें तो सोर्स में लेना ही है, दूध पीना है। इसी तरह से आप उसको जो गर्भवती महिला होती है और जो लैक्टेटिंग मदर होती है वो भी चिया सीड्स ले सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें उनको लेने में। सेकेंड चीज ये है कि है ना आप जो ओमेगा 3 होता है वो उसमें अच्छे कंटेंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और चिया सीड्स को बस यही है कि चिया सीड्स को आपको हीट नहीं करना है, आपको आप जितने भी है आप ठंडे इंग्रेडिएंट जितने भी है, आपके शेक है, दही है, छाछ है, लस्सी है, अपनी स्मूदी से आपके इसकी कॉकटेल बनाइए। चिया सीड्स की कॉकटेल किस तरह से बनाइए, आप नींबू का जो साइज काट कर रख दीजिए, उसमें हरी मिर्ची डाल दीजिए। मैंने अंजू वाला मैडम ने पिया था ये एक बार रेस्टोरेंट में, मिर्ची वाला मॉकटेल, तो आप मिर्ची वाला मॉकटेल बना सकते हैं। तो चिया सीड्स आप पहले उसमें एक अच्छी सी बड़ी सी अपनी सी ग्लास ले लीजिए, उसमें चिया सीड्स डाल दीजिए, उसमें कटे हुए नींबू डाल दीजिए, स्लाइस करके डाल दीजिए, उसमें हरी मिर्ची डाल दीजिए, एक ज्यादा नहीं एक हरी मिर्ची डाल दीजिए, चिया सीड्स डाल दीजिए, पुदीना का पत्ती डाल दीजिए। ये अलग अलग डिटॉक्स वाटर बनाने के ट्राई कीजिए, क्यों, क्योंकि आज हमारा जो है डिटॉक्स डाइट है। तो आज हम क्या करेंगे, चिया सीड्स की कोई लंबी प्रोसेस नहीं है, आप एक स्पून भर के चिया सीड्स अभी गला दीजिए, उसके बाद आज हमारी डिटॉक्स डाइट है दिन भर हम चिया सीड्स को, क्योंकि आपको फाइबर की फीलिंग भी देगा फुलनेस, क्योंकि आज हमको खाना नहीं खाना है तो हमको फुलनेस की फीलिंग चाहिए, क्योंकि भूख लगेगी हमको कुछ और नहीं खाना है, शेक 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 ही पीना है आपको और सारा लिक्विड डाइट लेना है। तो बाउल भर के चिया सीड्स आप गला के रख दीजिए। अब आज आप किस किस चीज में चिया सीड्स को यूज करेंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा, आप दिन भर में 2 स्पून आप रिकमेंडेड है, आप 2 स्पून आप दिन भर में ले सकते हैं, उससे कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप दही में आज दही पियेंगे, मतलब दही जो छाछ पियेंगे आप, दही या छाछ में आप उसको चिया सीड्स को ले सकते हैं। आप सैलेड जो खाएंगे फ्रूट सैलेड उसमें ले सकते हैं, फ्रूट जूस में ले सकते हैं, पीसना नहीं है बस। और आप जो सैलेड जो वेजिटेबल सैलेड खाएंगे उसमें आप ऊपर से डाल के पी सकते हैं। और चिया सीड्स की आप जो भेल बनाएंगे वो भी आप फ्रूट के साथ उसको चिया सीड्स की भेल बना सकते हैं। चिया सीड्स को पानी में डिटॉक्स वाटर हमेशा एक एक तरह का नहीं पीना, आप भी बोर हो जाओगे। फ्रूट डिटॉक्स भी बनता है जो फ्रूट के सारे छिलकों को डाल के, जो हम छिलके फेंक देते हैं फ्रूट के, एप्पल के, चीकू के, पपीता के, ऑरेंज के, मौसम्बी के, ये सब छिलकों का यूज होता है। आप छिलकों को फेंको मत, एक ही सब तपेली में डाल के रख दो और उसमें पानी डाल दो और चिया सीड्स डाल दो, उसको आप ओवरनाइट रख दो या तो फिर आप 2-3 घंटे रख दो, वही पानी छान के पी लो। उन छिलकों मेन फाइबर तो छिलकों में जो आपने फेंक दिया है, मेन जो आपके गुण होता है वो छिलकों में था जो कि आप फेंक चुके होते हैं, तो उसको भी पूरा कस आ जाएगा उसमें। अलग अलग डिटॉक्स बनाइए, चुकंदर का, बीटरूट का डिटॉक्स बनाइए, खीरा ककड़ी का डिटॉक्स बनाइए, अदरक डिटॉक्स, जिंजर डिटॉक्स बनता है, मिंट का डिटॉक्स बनता है। डिटॉक्स वाटर में कड़ी पत्ता डालना ना भूले, सभी के घर कड़ी पत्ता होता है, कड़ी पत्ता में है ना अच्छा फोलिक एसिड और बायोटिन होता है, तो कड़ी पत्ता को यूज कीजिए डिटॉक्स वाटर में, कड़ी पत्ता डालते रहिए। धनिया देखिए, मैं जो आज डिटॉक्स बनाने वाली हूँ, कड़ी पत्ता, धनिया, पुदीने की पत्ती का डिटॉक्स बनाने वाली हूँ, तीनों को पीस के चटनी बना लेना है। उसके बाद में आप, क्योंकि वो तो इतना सा ही पीस इतना सा ही बनेगा, उसमें पानी डाल दीजिए, चिया सीड्स डाल दीजिए, नींबू का साइज डाल दीजिए,
क्योंकि दिन भर आपको करना तो दिन में दो तीन बार अलग अलग डिटॉक्स बनाने की। इसी तरह से हम आज डिटॉक्स डाइट को एंजॉय करेंगे। आज जो डिटॉक्स डाइट रहेगी हमारी चिया सीड्स के साथ रहेगी, तो आप सभी की डाइट में चिया सीड्स दिखना चाहिए। ठीक है, चिया सीड्स जो है वो वेट लॉस के लिए सुपर फूड है, उसमें अच्छा प्रोटीन है। और जब भी हम वेट लॉस करते हैं तो हाई प्रोटीन और लो कार्ब डाइट लेते हैं, तो इसमें जो कार्ब्स हैं वो गुड कार्ब्स हैं, बहुत कम कार्ब्स हैं और गुड कार्ब्स हैं और हाई फाइबर है। तो इसलिए आज की जो डिटॉक्स डाइट रहेगी उसमें चिया सीड्स आप सभी ऐड करें। और चिया सीड्स को डेली बेसिस पे आपको पीना ही है, चाहे पानी में पिए आप, चाहे दही के साथ लें, सलाद के साथ लें, डिटॉक्स में लें, किसी में भी लें, बट आपको ट्राई करना। आप शेक में ट्राई मत कीजिए, मैंने किया था, आप मत कीजिएगा, ट्राई करके देखिएगा अगर आपको करना है तो। इस तरह से हम अलग अलग कर सकते हैं। आप जो रायता है आज आप देखिए सब्जियां तो खा सकते हैं, सूप में आप चिया सीड्स डाल सकते हैं, पर सूप ठंडा होना चाहिए, ठंडा कुनकुना सूप होगा उसमें चिया सीड्स डाल सकते हैं। आप चिया सीड्स का रायता बना सकते हैं, कैसे, खीरा ककड़ी खींच लिया दही में, और अपना चुकंदर बीटरूट खींच लिया, थोड़ा सा अदरक खींच के पतला पतला रायता बना लीजिए। इसको छोका नहीं लगाना है आपको, सिर्फ ऐसे करके आपको काला नमक डाल के, जीरा पाउडर डाल के, ये सब डाल के आपको, और उसमें चिया सीड्स डाल के चिया सीड्स का रायता। अब अलग अलग रेसिपी ट्राई कीजिए उसमें, आप आज आप अपनी अपनी रेसिपी चिया सीड्स की ट्राई करके ग्रुप में शेयर करेंगे, देखते हैं आपने चिया सीड्स को किस तरह से कैसे यूज किया। और चिया सीड्स को आप अपने डेली बेसिस अपने बच्चों को भी दीजिए, आधे से आधा चम्मच दीजिए उनको, जिससे उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, फाइबर मिलता रहेगा, बढ़ती उम्र है उनकी तो उनको कैल्शियम की कमी नहीं होगी, अच्छा प्रोटीन सोर्स मिलेगा। चिया सीड्स बच्चे जो ऐसे खा लेते हैं क्योंकि उनको दाना देखना अच्छा लगता है कि ये क्या है क्या, तो बच्चे सारे बच्चे ले लेंगे चिया सीड्स, नहीं लेते तो उनको स्ट्रॉ दीजिए, स्ट्रॉ बेटा एक एक या आपको एक एक बॉल को मुंह के अंदर लेके जाना है आपको, तो उस बच्चे कर लेते हैं। तो चिया सीड्स को आप इस तरह से यूज कीजिए। आज रोनिका मैडम भी अपने बेटे को चिया सीड्स देंगी क्योंकि वो लेती हैं चिया सीड्स, तो ले आप सभी लोग आज अपने बच्चों को, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं आप सभी अपने बच्चों को चिया सीड्स देना। आज मैं अपने बच्चों को चिया सीड्स ना बनाना के साथ देने वाली हूँ, गेम करने वाली, बनाना में चिया सीड्स लगाऊंगी फिर बोलूंगी इसको खाओ, फिर लगाऊंगी फिर खाओ, फिर एप्पल की स्लाइस में लगा के दूंगी। ऐसे आप गेमिंग करके भी बच्चों को चिया सीड्स दे सकते हैं, और आप भी बनाना के साथ में एप्पल के साथ चिया सीड्स ले सकते हैं। चिया सीड्स के एक्सलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर एंड कैल्शियम है, तो आप सभी को चिया सीड्स लेना है, वो आपको हेल्प करेगा वेट लॉस में, स्किन आपकी शाइन करेगा, चमकदार बनाएगा स्किन, हेयर फॉल में मदद करेगा, कॉन्स्टिपेशन में मदद करेगा, आपका जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो सही करेगा, शुगर पेशेंट के लिए चिया सीड्स बहुत अच्छा है। आप सभी लोग चिया सीड्स ले सकते हैं जिससे आपकी वेट लॉस जर्नी और आसान हो जाएगी और आप हेल्दी लाइफ स्टाइल जी पाओगे। थैंक यू, आई होप आप सभी को आपका सेशन और आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, मैंने कोशिश की काफी कुछ आपको कंबाइन करके बताने की। यस अर्पिता मैम, ओवर टू यू। हाँ मैम, रिजल्ट ले लीजिए आप, रिजल्ट सभी। अब आप 35 मेंबर्स हैं, आप सभी के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, और अभी हमारे काफी दिन बचे हैं, अभी हम आज हमारा 8वां दिन है और काफी दिन बचे हैं अभी, तो काफी अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो आप सभी अपने जो भी मेंबर है अपना रिजल्ट शेयर करना चाहेंगे तो प्लीज मुझे आप हैंडल्स टेक्निकली हैंडल्स करके अपने रिजल्ट शेयर कर सकते हैं, किसी भी चीज के, वेट लॉस के, स्किन के, आपको नींद नहीं आ रही नींद के, या आपकी एनर्जी के रिजल्ट, किसी भी चीज के रिजल्ट आप शेयर कर सकते हैं, जरूरी नहीं वेट लॉस की करें। और वेट लॉस सभी का ही हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है, वेट लॉस नहीं हो रहा होगा तो इंच लॉस हो रहा होगा, क्योंकि दोनों चीजें साथ में नहीं होती, पैरेलल होती है, थोड़ा इंच लॉस होता है थोड़ा वेट लॉस होता है, तो हमको दोनों ही साथ में करना है। आपको अपने मशीन के कांटे पर ही जाना है, हमको बॉडी का कॉम्पोजिशन चेंज करना है, हमेशा बताते रहते हैं हम लोग कि आपको अपना बॉडी का कॉम्पोजिशन चेंज करना है। आप सभी हैंड्रेस करके आप जो भी आप शेयर करना चाहते हैं टेक्निकली हैंड्रेस कीजिए और बताइए अपने रिजल्ट शेयर कीजिए। एनीवन, किसी को अपना रिजल्ट शेयर करना है? यस यस मैम, आप अपना, आप मैडम अपनी ट्रेनिंग में जा सकते हैं। यस अर्पिता मैम, आप पूछ लीजिए सबसे। ओके रोनिका मैम, कोई अपना रिजल्ट शेयर करना चाहेगा जिनका 1 kg अबव वेट लॉस हुआ है अभी 7 दिनों में, क्योंकि हमारे 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, तो जिनका भी 1 kg वेट लॉस हुआ है। अक्षिता मैम आप बताएंगे आपका कितना वेट कम हुआ है? अक्षिता डड्डा मैडम, अक्षिता मैडम अपना वीडियो ऑन कीजिए। जी कितना वेट कम किया आपने मैडम? किधर बोल रही थी तो नहीं। यस मैडम अनम्यूट कीजिए और आप अपना रिजल्ट शेयर कीजिए। अक्षिता डड्डा मैम, शायद उनको आवाज नहीं जा रही क्या? चलो कोई बात नहीं। अलका यादव मैम, आर यू देयर?
अक्षिता मैडम अनम्यूट हो गई हैं। यस अक्षिता मैडम बताइए आपका कितना वेट लॉस हुआ है अभी तक और आप क्या फील, अच्छा न्यूट्रिशन लेके आप क्या फील कर रहे हैं? मेरा अभी तक 3 kg वेट लॉस हुआ है और मैंने पहले भी सेशन में 3 kg वेट लॉस किया था, वो कुछ मिक्स हो गया था तो 1 kg वापस गेन हो गया है, बट अभी 3 kg लॉस हो गया है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बॉडी भी बहुत लूज हो रही है, मतलब बहुत अच्छा सा लग रहा है सब, एनर्जी भी बहुत आ रही है, कोई भी काम करने में सब अच्छे टाइप से लग रहा है, मतलब पहले मैं बहुत ज्यादा वेट की वजह से कुछ काम नहीं कर पा रही थी और बहुत मतलब स्लो फील हो रहा था, पर अभी बहुत एनर्जी आ रही है और वेट भी कम हो रहा है, इंचेस भी कम हो रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को जो देख रहे हैं लोग उनको भी अच्छा लग रहा है कि मेरा वेट लॉस हो रहा है। टोटल वेट लॉस कितना हुआ मैम आपका दोनों? अभी तक तो मेरा 3 kg लॉस हो गया है। ओके कांग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू, आप सबको बहुत थैंक यू कि आप लोग हमको एनकरेज कर रहे हैं। जी कांग्रेचुलेशन अक्षिता मैम, आप डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं वो जरूरी है, आप अपना डेडिकेशन बनाए रखें डाइट के को लेके भी वर्कआउट को लेके भी, तो और अच्छे रिजल्ट आएंगे मैम। थैंक यू। और कोई अपना रिजल्ट शेयर करना चाहेगा? रेखा बंसल मैम से मैं पूछना चाहूंगी, उन्होंने लास्ट टाइम भी चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था और अभी भी हैं। रेखा बंसल मैम आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। जो कन्नू तनु ने भी अपना अच्छा वेट लॉस किया है, वो अभी तक सारे सेशंस में आ रही है और अभी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक सारे चैलेंज उन्होंने पार्टिसिपेट किए हैं, तो तनु भी अपना रिजल्ट शेयर करना अगर चाहती हैं तो आप प्लीज मैडम अपना रिजल्ट शेयर कीजिए तनु। यस मैम, मेरा टोटल वेट 14 kg लॉस हुआ है 3.5 बीच में। और आपको इस क्लब में आके कैसा लग रहा है मैम? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, क्लब में रेगुलर ज्वाइन करती हूँ लेकिन अभी फिलहाल में मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ। ओके तनु ने बहुत अच्छा अपना वेट लॉस किया है, तनु कंटिन्यू अपना वीडियो ऑन रख के मैम मैंने नेचुरल डाइट से ही किया है मैंने। ओके तनु कांग्रेचुलेशन। मैम मैंने नेचुरल डाइट से ही किया है, मैंने शेक वगैरह कुछ भी नहीं लिया है। ओके कांग्रेचुलेशन तनु, आपने अपना 14 kg वेट लॉस किया है और ये वेट लॉस की उनके पीछे जर्नी ये रही है कि वो कंटिन्यू वीडियो ऑन करके वर्कआउट करती रही है, सुबह शाम दोनों सेशन उन्होंने अटेंड किए हैं, कभी मिस नहीं किया है, तो उससे उनके अच्छे 14 kg वेट लॉस रिजल्ट आए। कांग्रेचुलेशन तनु। 14 नहीं 4 kg। थैंक यू मैम। मैम ओवरऑल उन्होंने 14 kg। यस थैंक यू। और कोई अपना रिजल्ट शेयर करना चाहेगा? जो भी अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं वेट लॉस के एनर्जी के, तो आप शेयर कर सकते हैं, आप हैंडल कर सकते हैं। अनामिका मैम कुछ बोलना चाहते हैं? आपने अनम्यूट किया खुद को। यस अगर आप कोई रिजल्ट अभी कोई शेयर नहीं करना चाहता तो फिर हम इस मीटिंग को यही एंड करते हैं। अर्पिता मैम, मेघा मैम आ चुके हैं। यस मैम। यस मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है डिटॉक्स डे है हमारा, और डिटॉक्स डे वाले दिन हमें अनाज नहीं खाना है, तो आज आप ये ध्यान रखिए कि जो लोग नेचुरल डाइट वाले हैं उनको बॉइल्ड वेज सूप सलाद और छाछ खाना है, जो जो शेक्स ले रहे हैं उनको 3 times शेक लेना है। हालांकि आप वजन नेचुरल डाइट से कम कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है ये, पर आपका बॉडी कंपोजिशन आप नेचुरल डाइट से चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में जब कंपोजिशन बदलता है तब हम परमानेंट वेट लॉस करते हैं।
इसके लिए हमें प्रोटीन सप्लीमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम क्या करते हैं कि जब भी हम कैलोरी कट मार के वेट लॉस करते हैं तो हमारा वजन तो कम हो जाता है क्योंकि हमने कैलोरी कट की है, पर हमारी बॉडी का जो कंपोजिशन है, जो फैट और मसल का रेशियो है, वो चेंज नहीं होता। और उसको चेंज करने के लिए हमें प्रोटीन शेक लेना बहुत 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 जरूरी है। तो तनु, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्टार्ट करिए प्रोटीन शेक्स लेना, ओके? क्योंकि आप अपना बॉडी कंपोजिशन चेंज नहीं करेंगे, आप अभी हमारे क्लब में आ रहे हैं, अच्छी बात है, प्रोटीन्स खा रहे, अच्छी बात है, वेट लॉस हो गया, क्योंकि आप कैलोरी में कट मारा और आप दोनों सेशंस में दो दो घंटे एक्सरसाइज कर रहे हो, हजार हजार कैलोरी बर्न कर रहे हो, पर जहां आपने स्टॉप किया ना, मेरी गारंटी आप बाउंस बैक करोगे क्योंकि आपने कंपोजिशन नहीं बदला, ठीक है? तो हमें कंपोजिशन बदलने के लिए प्रोटीन शेक लेना बहुत जरूरी है। और इंच लॉस अगर परमानेंट करना है, वेट लॉस भी परमानेंट करना है, तो प्रोटीन शेक 2 times a day, इसीलिए हम SMS प्लान फॉलो करते हैं, शेक मील शेक प्लान, मतलब मॉर्निंग शेक, आफ्टरनून मील और डिनर शेक, चाहे हमारा वजन कम करना हो, चाहे हमें वजन बढ़ाना हो, चाहे हमें वजन मेंटेन करना हो, तो भी SMS प्लान, जितने कोचेस हैं सारे कोचेस SMS प्लान को फॉलो करते हैं, तभी वो फिट है और तभी आप 1.5 घंटा एक्सरसाइज करवा पाए, ठीक है? तो हमारी फिटनेस खाली वजन से नहीं होती है, हमारी फिटनेस में ये होना चाहिए कि हम 1.5 घंटा एक्सरसाइज कंटिन्यूअस करें बिना रुके। मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करती हूँ कि जीनत मैम एक्सरसाइज कर रहे हैं और बाकी कोई कुर्सी पकड़ के बैठ गया, किसी का पंखा ही दिख रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, सो रहा है, कोई लेटा हुआ है, कई बार तो मैंने ये देखा लेटा हुआ, मेरे को सारा कुछ दिखता है यहाँ से, कोई लेटा हुआ ही है और एक्सरसाइज चल रही है भैया, तो आप कभी भी नहीं आएंगे। सीरियसली 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए निकालना है और एक्सरसाइज करना है और प्रोटीन शेक लेना ही लेना है, मेरी गारंटी है। आज आपको प्रोटीन शेक से कई बार भूख ज्यादा लगती है, आदमी ज्यादा खा लेता है, पर ज्यादा खाने के बाद भी यदि प्रोटीन शेक निरंतर लेता रहता है ना, तो क्या होता है कि धीरे 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 आपकी बॉडी में ऐसा बदलाव होता है जो आप सामने वाला महसूस कर रहा है, जो जिनके वीडियो ऑन हो, वो ये ऑडियो ऑन हो गए, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो धीरे धीरे आपको कंपोजिशन बदलना, भले ही आपको 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, पर कंपोजिशन बदलने पे ही काम करना है। एक्सरसाइज करना, प्रोटीन शेक लेना, एक्सरसाइज करना, प्रोटीन शेक लेना, किसी भी सूरत में आपका शेक मिस नहीं होना चाहिए, मेरी गारंटी। आपको खुद को समझ नहीं आएगा, सामने वाला जरूर बताएगा, आपको बोलेगा कि हाँ गुड, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत गजब के सेशन चल रहे हैं। मैं आज बार बार देख रही थी क्योंकि मैं बिजी थी, इसलिए मैं आके जीनत मैम का सेशन देख रही थी, बहुत जबरदस्त मैडम ने वर्कआउट करवाया है और गाने भी सुन रही थी मैं, टिप टिप करता सा बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वाला सॉन्ग, और उसपे डांस चल रहा था और स्टिक वर्कआउट चल रहा था। रियली मिस यू ऑल, मैं जल्दी से आप सभी के साथ एक्सरसाइज ज्वाइन करने वाली हूँ। तो थैंक यू जीनत मैम, थैंक यू अर्पिता मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इतना लंबा सेशन 9 बजे तक चल रहा है, फिर भी आज 27 मेंबर्स अभी भी लगे बने हुए हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। इवनिंग में आप 6:15 बजे हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।